ओके, देर भी हो, यहाँ पे हम थे, यहाँ तक हम लोगों ने काम कर लिया था। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो हमने करनी है, व्हाट आई वांट कि हमने अभी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या यूज़ की थी, एफ एस इज इक्वल टू 8 के, लेट्स चेंज दी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। लेट्स से कि हम कहते हैं कि हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अब यूज़ करते हैं 2 पाई 4 के, और हम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं अब 4 किलोहर्ट्ज की। ठीक है, 4 किलोहर्ट्ज की हम फ्रिक्वेंसी यूज करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप इसको ड्रॉ करेंगे एट 0, एट 2 पाई Fs विच इज 2 पाई इंटू 4 के, दिस इज -2 पाई इंटू 4 के, एंड देन यू हैव 2 पाई 8 के, -2 पाई 8 के। ठीक है, इस पे जब हम सिग्नल को ड्रॉ करेंगे सो वी कम आउट कि चाहे ये सिग्नल जो है ये तो यहाँ तक जाएगा। वन बाय टी। अच्छा, अब आपके सिग्नल के साथ क्या हुआ, आपका सिग्नल पूरे का पूरा सिग्नल जो है वो करप्ट हो गया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दी एलिसिंग इज। सो एलिसिंग से क्या होता है कि आपका सिग्नल आपस में करप्ट हो जाता है। अब आप क्या करते हैं कि यू लुक एट योर सिग्नल बिफोर यू स्टार्ट प्रोसेसिंग। आप सिग्नल्स को प्रोसेस करने से पहले कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरे पास बैंड लिमिटेड सिग्नल होगा, मेरे पास सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी लेट्स से यू आर लिमिटेड और बाउंडेड बाय कि आपके पास जो बोर्ड है जिस पे आपके डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का बोर्ड है वो आपके पास पहले से ही इट इज़ डिटर्मेंड कि उसकी मैक्सिमम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो 6 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा नहीं क्यों हो सकती। ठीक है, सो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट आई एम गिविंग यू, सो लेट्स टेक दिस एज एज अ प्रॉब्लम कि सो वी आर गिविंग अ प्रॉब्लम कि आपके पास जो डीएसपी बोर्ड है, डीएसपी बोर्ड आपने उसकी फैक्ट शीट देखी, उसकी स्पेक्स देखी, उसमें उसने बताया कि जी उसकी मैक्सिमम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी इज 6 किलोहर्ट्ज और आप उस पर ऑडियो प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, सो लेट्स डू समथिंग, लेट्स डू दी प्रोसेसिंग फर्स्ट के हम सिग्नल को ड्रॉ करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। हम कहते हैं यार अच्छा, हमने जब जैसे हम इसको करेंगे सैम्पल करेंगे तो ये 0 पे आएगा, ये 2 पाई 6 के पे आएगा, ये 2 पाई 12 के पे आएगा, ये 2 पाई 6 के पे आएगा, माइनस ये -2 पाई इंटू 12 के पे आएगा। ठीक है, अब मैं अगर 4 किलोहर्ट्ज का सिग्नल प्रोसेस करता हूँ उस पर, 2 पाई इंटू 4 किलोहर्ट्स, तो मुझे पता है कि यार ये 4 तक यहाँ पे आएगा, टू पाई 4 के, -2 पाई 4 के, और जो दूसरा सैंपल ये आएगा ये कहाँ तक जाएगा, जो 2 पाई 6 के का सैंपल है ये कहाँ तक जाएगा, टू पाई 2 के और 2 पाई 10 के। 2 पाई 2 के और 2 पाई 10 के, 10 के। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमें पता चल गया कि यार आपका ये वाला सिग्नल जो है वो रीजन ये करप्ट हो रहा है। ठीक है, ये करप्ट हो जाएगा, एलिसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई, यार अच्छा ठीक है, 2 पाई 2 के से लेके 4 के तक का सिग्नल करप्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे अपने सिग्नल के साथ प्रोसेसिंग करनी है शुरू में। आप क्या करेंगे, जैसे ही आपके पास बैंड लिमिटेड सिग्नल आएगा
ये वाला सिग्नल जो कि था 2π 4K का सिग्नल, क्योंकि ये ऑडियो स्पीच थी, ठीक है। अब आई हैव टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज, अब मुझे पता है कि इस वाले बोर्ड में मैं इसकी प्रोसेसिंग नहीं कर सकता, उसकी प्रोसेसिंग इस वजह से नहीं कर सकता कि यार आपका सिग्नल करप्ट हो जाएगा। अब आपका सिग्नल करप्ट हुआ, आपका 2K पीछे गया, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ है कि 2K से लेके ये पूरा 4K तक ये पूरा रीजन करप्ट हो गया, ठीक है। आप कहते हैं यार मैं इस पर ज़रा स्मार्टली प्ले करता हूँ, मैं इसके ऊपर एक फिल्टर लगा देता हूँ, स्टार्ट में जैसे मेरे पास सिग्नल आएगा मैं इसके ऊपर 3 kHz का कट ऑफ का एक फिल्टर लगा दूंगा, ठीक है। सो आई एम सेइंग दिस थिंग कि मैं इसके ऊपर एक फिल्टर लगा रहा हूँ जिसकी कट ऑफ होगी 2π 3K और -2π 3K, ठीक है, ये इसकी कट ऑफ होगी। जब मैं इसके ऊपर ये वाला फिल्टर लगाऊंगा मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, -2π 3K, एग्री? जी सर। गुड, मैंने 1 kHz का कॉम्प्रोमाइज किया है, मैंने कहा यार 1 kHz की फ्रिक्वेंसी जो है वो मैं 3 to 4 kHz की जो फ्रिक्वेंसीज हैं इनको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, लेट मी ड्रॉप देम, एटलीस्ट मेरे पास कॉन्टेंट्स तो आ जाएंगे, ठीक है। अब मैंने रिमेंबर दिस थिंग, आई गेट बैक टू दिस थिंग, मैंने आई एम मेड अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1 kHz, ठीक है। यहाँ पे रिमेंबर, यहाँ पे आपकी कितनी एलिसिंग हो रही थी, ये बैंड कितना था 2 kHz का, ठीक है, 2K का ये बैंड था, मैंने भी कॉम्प्रोमाइज किया 1 kHz का, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मेरे पास सिग्नल के साथ वही मैं सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी यूज करूंगा FS दैट इज 6K। अब मैं देखता हूँ मेरे पास सिग्नल कैसे आता है, दिस इज एट 0, दिस इज एट 2π 6K, दिस इज एट -2π 6K, आगे वाले मैं भी नहीं ड्रॉ करता, ठीक है। अब मुझे पता है कि इफ दिस इज 6K सो दिस इज समवेयर लाइक 3K, दिस इज -3K, तो मेरे पास सिग्नल जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, ये बस एलिसिंग हुई या नहीं हुई? नहीं हुई सर। ठीक है, 1/T 1/T, ओके। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई रिपीट दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने क्या किया कि मैं आई हैव मेड अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1 kHz, उसकी वजह से क्या हुआ मेरी एलिसिंग नहीं हुई। लेकिन अगर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता तो मेरे पास कितना बैंड था जो कि ज़ाया हो रहा था, 2 kHz का, 2 kHz, ठीक है। नाउ आई गेट बैक टू दिस थिंग कि जो हमने बात की थी स्टार्ट में कि एलिसिंग इज अ डबल एज सोन, ठीक है, डबल एज इस वजह से कि आपको सिर्फ 1 kHz का आपका ओवरलैप आ रहा है, लेकिन उसकी वजह से आपके पास 2 kHz की फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़ाया हो जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इट इज़ अ डबल एज सोन, आपका ओवरलैप तो खाली 1 का आया, लेकिन उसकी वजह से जो इफेक्ट आया वो 2 kHz की फ्रिक्वेंसीज में या 2 kHz के बैंड में जो है इफेक्ट आना शुरू हो गया, 2 kHz की बैंड की फ्रिक्वेंसीज आपकी ज़ाया हो गई। अब आपके पास यूजेबल फ्रिक्वेंसीज हैं वो ये सिर्फ ये वाली हैं, ये वाली जो ये 0 to 2 kHz की, बाकी सब ज़ाया होगी। अगर मैं शुरू में मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि मैंने शुरू में ये वाला फिल्टर लगा दिया जिसने क्या किया, इसने एलिसिंग नहीं होने दी, ठीक है, एलिसिंग नहीं होने दी, उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा जो मैंने शुरू में अपने 1 kHz को कॉम्प्रोमाइज़ किया, मेरा सिग्नल बड़े करेक्टली सैंपल भी हो गया, मैं उसकी प्रोसेसिंग भी कर सकता हूँ और मैं उसको दोबारा से बिल्कुल सही तरीके से इसकी प्रोसेसिंग कर सकता हूँ, ठीक है। इस वजह से इन फिल्टर्स को जो कि आप शुरू में लगाते हैं, जो कि आप अपने XJ ओमेगा पे लगाते हैं ताकि आप एलिसिंग से बचा सकें, टू प्रोटेक्ट योर सिग्नल फ्रॉम एलिसिंग, दीज फिल्टर्स आर कॉल्ड एंटी एलिसिंग फिल्टर्स, ठीक है। तो अभी हमने जो स्टार्ट में बात की थी कि बाय द एंड ऑफ दिस क्लास मैं आपको दो चीज़ें बता दूंगा, पहली चीज़ कि एलिसिंग क्या होती है, तो हमने एलिसिंग को देख लिया कि एलिसिंग होती क्या है, किस वजह से होती है, दैट इज when you are sampling below the sampling maximum sampling frequency, twice the sampling frequency, Nyquist criteria को जब आप follow नहीं कर रहे
दैट इज द टाइम जब एलिसिंग होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, इसके और रीजंस भी होती हैं. एलिसिंग कैन हैपन बिकॉज ऑफ डाउन सैम्पलिंग, वो भी हम अगली क्लास में जो कि कल की क्लास है उसमें पढ़ेंगे. एलिसिंग कैन हैपन बिकॉज ऑफ डाउन सैम्पलिंग, लेकिन करंटली हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं अगर आपकी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी करेक्ट नहीं है तो आपकी एलिसिंग होगी. एलिसिंग इज अ डबल एज सोर्ड. एलिसिंग अगर 1 किलोहर्ट्ज के बैंड की हो रही है तो रिजल्टेंटली वो आपके टॉप 2 किलोहर्ट्ज के बैंड के फ्रिक्वेंसीज को वो ख़राब कर देती है. अगर आप 4 किलोहर्ट्ज के बैंड की ओवरलैप हो रहा है या एलिसिंग हो रही है तो वो रिजल्टेंटली 8 किलोहर्ट्ज के बैंड को जो है वो ख़राब कर देगी. ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को जहन में रखें कि यार अच्छा ठीक है, एट द डिज़ाइन टाइम आई एम गोइंग टू डिसाइड कि यार आई एम गिवन विद दिस प्रॉब्लम कि यार मेरे पास सिर्फ 6 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है जिस पर मैं सैम्पल कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं सैम्पल नहीं कर सकता, मुझे स्पीच सिग्नल को प्रोसेस करना है. अगर तो मुझे किसी लेस फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को प्रोसेस करना था, मसला ही कोई नहीं, एक शुरू में एंटी एलिसिंग फिल्टर लगाएंगे और या बैंड लिमिटिंग फिल्टर लगाएंगे एंड वी आर गुड टू गो. लेकिन इस वजह से अब इशू क्या है कि आपकी एलिसिंग होनी है, वी नो कि एलिसिंग होगी, सो व्हाट वी हैव टू डू इज अप्लाई एन एंटी एलिसिंग फिल्टर एट द बिगिनिंग. वी मेक अ कॉम्प्रोमाइज कि ठीक है यार मैं हाई फ्रिक्वेंसीज के 1 किलोहर्ट्ज़ के बैंड को मैं ड्रॉप करूंगा, लेकिन उसको बैंड को ड्रॉप करने की वजह से मुझे क्या फ़ायदा होगा कि यार अच्छा मैंने उसको तो ड्रॉप कर दिया लेकिन मेरी एलिसिंग नहीं हुई, मेरे एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी ज़ाया नहीं हुई, नाउ आई कैन डू माई ऑल ऑफ माई प्रोसेसिंग. ठीक है, इस वजह से आप एंटी एलिसिंग फिल्टर को शुरू में लगाते हो. अच्छा, इसमें यूजली आप क्या करते होते हैं, जब आपने ये कर लिया, अभी तो ये आपकी फ्रिक्वेंसीज हैं, दे आर एनालॉग फ्रिक्वेंसीज. ठीक है, आप करते क्या है कि इसको डिवाइड करते हैं बाय टी, डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं बाय टी सो दैट यू गो टू ओमेगा. ठीक है, अगर मैं इसको टी से मल्टीप्लाई करूं, सो व्हाट इज टी, when my fs is 6k, so which is actually 1 by t. agar main t se multiply karunga, t will be 1 by 6k. theek hai, 1 by 6k se main isko x axis ko multiply karunga taki main digital frequencies mein chala jaun. so what do I get, multiplied by t which is 1 by 6k, 1 by 6k. So the answer that we get this gets to be 6 pi 2 pi 0 minus pi minus 2 pi. ठीक है, और ये 1 by t है, so this becomes to be 6k. so this is my digital स्पेक्ट्रम. ठीक है, दिस इज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड बिकॉज आई नो कि यार मुझे ये वाली फ्रिक्वेंसीज हैं जिनमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ देखने के लिए, तो दिस इज वॉट आई एम इंटरेस्टेड है. तो यूजली आप आखिर में जब आपने एनालॉग स्पेक्ट्रम के साथ प्रोसेसिंग कर ली, उसके बाद आप करते हैं कि इसको टी से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि आपके पास डिजिटल स्पेक्ट्रम आ जाए. ठीक है, एंड दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू प्रोसेस, क्योंकि आप वी नो कि हमारे पास ओमेगा, this omega is equal to t capital omega. ठीक है, इसको यूज करते हुए हम डिजिटल स्पेक्ट्रम बना लेते हैं. सही है, सो लेट्स डू समथिंग वंस अगेन ताकि इस चीज को हम क्लियर भी करें. जी जी सर, हम जो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 बाय ऊपर में यानी x x को, तो वो 1 by 6k के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, और इसका जो पाई है 2, जैसे 2 पाई था वो पाई रह गया और वो आगे 4 पाई था, तो यानी डिवाइड बाय 2 पाई भी होगा, सॉरी डिवाइड बाय पाई नहीं होगा, डिवाइड बाय 2 पाई क्यों होगा, ये देखिए, लेट्स हैव अ लुक एट दिस. ठीक है, 6k गोज विद 6k, ठीक है, रिमेनिंग इज 2 पाई.
ठीक है। यस सर, समझ आ गया। दिस 3-2 गॉन विद 6, सो रिमेनिंग इज के सब कट गया पाई, रिमेनिंग इज पाई। यहाँ पे मैप हो जाएगा, ये यहाँ पे मैप हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे मैप हो जाएगा, ये 0-0 पे ही रहेगा। ठीक है ठीक सर। है ओके। अब मैं इसको ना दोबारा से आपको एक और एज एन एग्जाम्पल करके बताता हूँ कि लेट्स टेक दिस थिंग कि मेरे पास ये यही वाला स्पेक्ट्रम है विच इज एक्स जे ओमेगा विच इज 4K 2.4K माइनस 2.24K। ठीक है। इसको मैं कन्वॉल्व कर रहा हूँ इसके साथ जो कि मैं 0 ओमेगा s 2 ओमेगा s माइनस ओमेगा s और माइनस 2 ओमेगा s से मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, कन्वॉल्व कर रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि यार ठीक है, अच्छा अब मैंने जो आपको सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज 16K, बड़ा सिंपल है। जस्ट हैविंग लुक एट इट आई कैन टेल यू कि अच्छा यार ठीक है मेरी जस्ट 0 16 -16 के इंटू 2 पाई के इंटू 2 पाई। अब मेरे पास जो सिग्नल आएगा वो यहाँ पे आएगा, ये वाला सिग्नल यहाँ पे आएगा, दिस गेट्स मल्टीप्लाई बाय 1 बाय t 1 बाय t 1 बाय t। ठीक है। अच्छा ये इसमें देर विल बी नो एलियसिंग, वेरी गुड। लेट्स मूव अहेड। लेट्स से कि हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज 8K, अब आपके पास यहां पे आ जाएगी इंपल्सेस। वेरी गुड, कोई मसला नहीं। 8K दिस इज -8K इंटू 2 पाई, दिस कम्स एट 4K इंटू 2 पाई। ठीक है, 2 पाई में अभी जस्ट फॉर द रीजन ऑफ माई ओन लेजीनेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन लिख दिया गया। ठीक है, दिस गेट्स मल्टीप्लाई 1 बाय t, दिस गेट्स मल्टीप्लाई 1 बाय t, दिस गेट्स मल्टीप्लाई 1 बाय t। अच्छा 1 बाय t यहाँ पे जो है दिस इज 16K, 1 बाय t ओवर हियर इज 8K। ओके लेट्स मूव अहेड। अब मैं कहता हूँ कि मैंने आपको सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी दी एफ एस इज इक्वल टू 6K। अब आई कैन सी कि यार मेरे पास अगर यहाँ पे एक है इम्पल्स, दूसरी इम्पल्स मेरे पास यहाँ पे होगी, तीसरी इम्पल्स मेरे पास यहाँ पे होगी, 0 6K 6K एंड -6K। ठीक है, और मेरे पास जो सिग्नल ड्रॉ होगा ऐसे दो जिसमें अब ये एलिसिंग होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ वी कैन वेरी क्लियरली सी कि आपका सिग्नल जो है वो किस तरीके से एलिसिंग वाले सेक्शन में एंटर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो आपको करना क्या पड़ता है कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक एंटी एलिसिंग फिल्टर पहले से लगाना पड़ता है। ठीक है, सो नाउ इफ वी हैव अ लुक एट इट, तो मैंने कोशिश की है कि इसको मैं टू द बेस्ट ऑफ माई ड्रॉइंग एबिलिटीज इसको 0K 8K 16K इसको मैं उसके मुताबिक ड्रॉ करूं। तो दिस इज व्हाट वी कैन सी कि जैसे जैसे आपकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है आपका डिजिटल स्पेक्ट्रम जो है वो करीब आता जा रहा है। जैसे जैसे करीब आता जा रहा है एक टाइम आएगा जिस टाइम पे वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना शुरू कर देगा। जब वो ओवरलैप करना शुरू कर देता है तो उस वाले केस में फिर आपकी सिग्नल की जो है वो एलिसिंग होना शुरू हो जाती है और वो आपस में करप्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो यूजली अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं उसमें ड्रॉ करूँ, लेट्स से कि मैं इसी को ड्रॉ करता हूँ इस वाले सिग्नल को, ये जो सिग्नल है दिस वन, लेट्स ड्रॉ दिस ऑन अ डिजिटल स्पेक्ट्रम। अगर मैं इसको डिजिटल स्पेक्ट्रम में ड्रॉ करूँगा तो मुझे सिंपली करना क्या है कि जो ओमेगा है दैट इज
ओमेगा टी इज इक्वल टू स्मॉल ओमेगा। मुझे सिंपली करना क्या है कि इस वाले एक्सिस को टी के साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड आई नोट द वैल्यू ऑफ टी इज 1/8 k। ठीक है, तो मैं इसके साथ इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा, सो व्हाट विल हैपन इज ये 8k से डिवाइड हो जाएगा, 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 और हमारे पास स्पेक्ट्रम जो है वो जीरो पाए माइनस पाए एंड सो फोर्थ, इस तरीके से ये डिजिटल स्पेक्ट्रम जो है वो ड्रॉ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो बाय दिस अप टू दिस पॉइंट आई एम एज्यूमिंग के वी आर वेरी क्लियर कि यार अच्छा ठीक है, आपने जब भी आपने करना है इसको प्रोसेसिंग करनी है तो आपने इसको सैम्पल फ्रिक्वेंसी भी आपने इसको इम्पल्सिस ड्रॉ करनी है, उसके ऊपर आपने स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है, स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने के बाद आपने उसको एनालॉग स्पेक्ट्रम एनालॉग फ्रिक्वेंसीज को आपने डिजिटल फ्रिक्वेंसीज में कन्वर्ट करना है एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, जब आप ये सारा काम कर लेते हैं, अब आपके पास सिग्नल है, आप उसके प्रोसेसिंग करते हैं जो भी आप जितने भी आप करना चाहते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप इस वाले सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं, इस वाले सिग्नल को पास करते हैं एक रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर से। ठीक है, जब आपने इसको डीएसपी प्रोसेसर में से गुजार लिया, दिस थिंग गोज टू डीएसपी प्रोसेसर, डीएसपी प्रोसेसर के बाद आपने क्या करना है, इसको एक रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर से पास करना है, जिसका काम ये होता है कि वो एक कट ऑफ अप्लाई करता है, यूजली इट इज ऑफ टी एम्पलीट्यूड टी। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि 1/T को कैंसिल करता है, इट इज ऑफ एम्पलीट्यूड टी, और इसकी कट ऑफ जो है वो आप डिसाइड करते हैं कि यार जहाँ पे वो आप सेंटर वाले स्पेक्ट्रम को आप निकाल लें। ठीक है, इस वाले सेंट्रल वाले स्पेक्ट्रम को निकाल के आप रेप्लिकास को ख़त्म करते हैं, ताकि अब आप इसको जो है दोबारा से इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करें और अपने सिग्नल को एनालॉग फ्रिक्वेंसीज के ऊपर जो भी आपने उसको ट्रांसमिशन करनी है आप उसकी ट्रांसमिशन कर सकें। ठीक है, सो दिस फिल्टर जो कि अभी आप अप्लाई करेंगे, दिस इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जो सिंगल आपका जो डिजिटल स्पेक्ट्रम होता है इसको आपको वो एक्सट्रैक्ट करके देता है। ठीक है, ताकि आप उसको डिजिटल एक सिंगल स्पेक्ट्रम को जितनी भी कॉपीज हैं, और यू कैन से गेट्स रिड ऑफ एक्स्ट्रा कॉपीज, इन एक्स्ट्रा कॉपीज को ख़त्म करता है, उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करते हैं दोबारा इनटू एनालॉग, ताकि हम इसकी ट्रांसमिशन कर सकें। ठीक है, सो बाय दिस वी हैव कवर्ड दी सैम्पलिंग। अगला टॉपिक जो है वो हम करेंगे जो अगली क्लास में करेंगे, दैट विल बी अप सैम्पलिंग एंड डाउन सैम्पलिंग। ठीक है, तो यार अच्छा अगर मैं इसी सिग्नल को लेट्स से मैं कहता हूँ यही मेरा सिग्नल था, इसको मैं डाउन सैंपल बाय एम कर देता हूँ, एक फैक्टर से मैं डाउन सैंपल कर देता हूँ। ठीक है, मैंने सिंपली किया ये कि मेरे पास जो सिग्नल था स्पेक्ट्रम टाइम डोमेन में, ये वाला जो सिग्नल था इसमें से मैंने कहा ये कि अच्छा यार एक रखो इसको ड्रॉप कर दो, इसको रखो इसको ड्रॉप कर दो, इसको रखो इसको ड्रॉप कर दो, इसको रखो इसको ड्रॉप कर दो। ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग। ठीक है, सो अब इसमें ऑब्वियसली इश्यूज आते हैं, वैकेंसी के से यार होगा क्या कि मेरे पास अगर 4 kHz पे 4000 सैंपल्स थे तो अब मेरे पास 2000 सैंपल्स रह जाएंगे। अगर मैं स्पीच की बात करूँ, मेरी स्पीच जो अगर मैंने पहले प्ले की थी, अगर मैं उसको अब प्ले करूँगा तो वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे प्ले हो रही होगी या डिफरेंट स्पीड पे हो रही होगी। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल मेरे ख्याल में मैंने कुछ कोड बैठ के कुछ लिखे थे, ये कौन से वाला है, डेसीमेट वेव वाला मैं प्ले करता हूँ। ठीक है, ये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, आई एम नॉट श्योर कि आपको उसकी आवाज़ आएगी, नहीं आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि मैंने वो नहीं किया हुआ, सिस्टम वॉल्यूम नहीं शेयर किया हुआ। लेट मी शेयर दिस सिस्टम वॉइस, देयर वी गो, देयर इंक्लूड सिस्टम वॉइस, ओके देयर वी गो, मैटलैब। अब मैं करता क्या हूँ कि मैं इसको प्ले करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो मैंने ये आप लोगों को पहले भी सुनाई भी, आई होप आप लोगों ने लैब में ये वाली ऑडियो सुनी भी है, बाख। इसको मैं रीड करूँगा। ठीक है, इसका मैं ये मेरे पास सिग्नल आ गया, इसकी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी आ गई। ठीक है, उसको मैं प्ले करूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि उसको हाई फ्रिक्वेंसी पे करके ना उसको मैं इसको
प्लॉट करके इसको प्ले करने की कोशिश करना, ठीक है। ये सारी प्लॉटिंग का काम हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे ना मैं इसको सिग्नल को प्ले करने की कोशिश, सिंपली काम करके इसको डेसीमेट बाय टू किया, इसको प्ले करने की कोशिश करना। ओके अब ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वाला काम जो सिंपली किया, मैंने सिंपली कहा ये कि यार इसको सिग्नल को लो, उसको एफ एस बाई टू पे कर दो, ठीक है। लेट्स सी की आवाज़ क्या आती है। अच्छा वो भी उसकी आई डोंट नो आपको उसकी आवाज़ आई कि नहीं आई, लेकिन सिंपली आप क्या कह सकते हैं कि सिग्नल को आपने लिया, उसको डेसीमेट बाय टू किया, डेसीमेट बाय फोर किया, उसको आप प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अभी अगर आप लोग थोड़ा सा प्ले अराउंड करना चाहते हैं, सो आई वुड लाइक यू टू डू दीज फ्यू थिंग्स। आप क्या करना चाहेंगे कि व्हाट यू वुड लाइक टू डू इज टेक एन ऑडियो या रिकॉर्ड एन ऑडियो, अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्ड योर ओन ऑडियो, ठीक है, एट एफ एस इज इक्वल टू 16K, ठीक है। फिर आप उसको प्ले करें, फिर आप उसके जब आपके पास x आएगा जिसमें आपके पास डेटा है, ठीक है, x के आप सिंपली से x अंडरस्कोर 2 इज इक्वल टू x 1:2:end, ठीक है। ये एक सैंपल रखेगा, नेक्स्ट सैंपल ड्रॉप कर देगा, नेक्स्ट सैंपल रखेगा, नेक्स्ट सैंपल ड्रॉप कर देगा, ठीक है। अब आप इसे दोबारा करें ऑडियो प्ले, x अंडरस्कोर 2 एफ एस बाई 2, ठीक है। तो इसी तरीके से आप करें ऑडियो प्ले x अंडरस्कोर 4 एफ एस बाई 4, ठीक है। ये थोड़ा सा करके देखिएगा, जस्ट हैव अ प्ले अराउंड, आपको 5-10 मिनट लगेंगे, ऑडियो को रीड करें, उसको प्ले करें और इससे थोड़ा सा प्ले अराउंड करें, एंड यू सी के यार ये वॉइस के साथ कुछ अनवांटेड पैटर्न्स आना शुरू हो जाते हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते थे वो एग्जैक्टली नहीं आ रहा होगा, ठीक है। सो इस चीज़ों को हम लोग अगली क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे यार डेसिमेशन क्या होती है, और उसके बाद अगर आप अप सैम्पलिंग करते हैं तो अप सैम्पलिंग कैसे होती है, ठीक है। हम बेसिकली देखना चाहते हैं कि फ्रिक्वेंसी एक्सिस पे क्या इसका इफेक्ट आ रहा होता है, लेकिन ये हम कल की क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज क्लास? Any question? सर क्लास से क्वेश्चन नहीं है, वैसे सेमेस्टर के बारे में एक क्वेश्चन है। जी जी पूछे सर, वो सुनने में आया कि फाइनल्स हमारे 80% के होंगे। 80% के होंगे यार, ये वाली बात आपने कहाँ से सुनी है? मैंने तो ऐसी बात नहीं सुनी वैसे अभी तक। सर कोई किसी ने मैसेज आया था, सर्कुलेट हो रहा था। मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है, ऐसी फिलहाल अभी तक कोई बात नहीं है। नहीं, मैं आप टू पुट इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं गलत बात है ये, फिलहाल ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि जो कि मुझे पता चली हो कि यार फाइनल 80% का हो रहा है। असल में एक बात याद रखना यार कि ऑब्वियसली इट्स अ डिजिटल मीडियम, ठीक है, डिजिटल मीडियम में बहुत सारी स्पेकुलेशंस ना ऐसी निकल जाती होती हैं, इस वजह से उस पर थोड़ा सा ज़रा have those information with a pinch of salt, unless that information comes from the department, ye zyada tar jo hai na wo bas speculations hi hoti hain. Aur kuch sir? Nahi, okay, main ek aakhri cheez batata hu aapko ki ye abhi wale jo topics hum padh rahe hain na, remember these things ki ye itni interesting cheeze hoti hain ya itni wo maze ki cheeze hoti hain कि इन चीज़ों को यू कैन एक्चुअली अप्लाई इन योर पीएचडी, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अभी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे जो नेक्स्ट कल अगली क्लास है उसमें वो है डेसिमेशन का टॉपिक, ठीक है। डेसिमेशन में आप एक इफेक्ट आता है जो कि हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप सिग्नल को डाउन सैम्पल करना शुरू करते हैं ना, तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में उसका स्पेक्ट्रम स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब स्प्रेड होना शुरू होता है तो उसकी वजह से एलिसिंग के इश्यूज आते हैं और बहुत सारे इश्यूज आते हैं, लेकिन उसका एक इफेक्ट ये आता है कि जब आपके पास बहुत छोटा बैंड का सिग्नल हो,
उसके लिए आपको फिल्ट्रेशन जो है ना बहुत ज़्यादा प्रिसाइज करनी पड़ती है। जस्ट इमेजिन कि आपके पास अगर लेट्स से मैंने काटना है, छुरी से काटना है, और मेरे पास तरबूज है जिसको मैंने काटना है, बड़े आसानी से मैं छुरी से काटूंगा, कट जाएगा। इवन अगर मैं कुल्हाड़ी लेके काटता हूँ उससे भी कट जाएगा, आरी से भी बड़ा कट जाएगा। लेकिन उसकी निस्बत अगर मैं आप कहता हूँ यार एक पेपर है और पेपर पे आपने ऐसे कर्व्ड उसको काटना है, वो आप कुल्हाड़ी से या आप आरी से नहीं काट सकते, उसके लिए आपको पेपर कटर चाहिए, आपको बड़ी प्रिसाइज किस्म की सीजर्स चाहिए जो कि उसको बड़ा शार्पली काट सके, ठीक है। दिस इज एन एनालॉजी। अब जब आपके पास एक स्पेक्ट्रम बहुत शार्प होता है ना, बहुत छोटा, उसके लिए आपके पास बहुत फाइन किस्म के फिल्टर, बहुत एक्सपेंसिव फिल्टर चाहिए होते हैं। अब हम लोग, मैं ईजी सिग्नल्स में काम कर रहा था एक स्टूडेंट के साथ, अभी माशाल्लाह वो इज डूइंग हिज पीएचडी इन और फिनिशिंग ऑफ हिज पीएचडी इन न्यूजीलैंड। तो अब मसला हमें ये आ रहा था कि हमें ईजी सिग्नल बहुत लो फ्रिक्वेंसीज के होते हैं, अब बहुत लो फ्रिक्वेंसीज की वजह से मसला ये आता है कि यार अब आप उसको कैसे प्रोसेस करें, इतनी लो फ्रिक्वेंसीज को तो आपको कट ऑफ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा शार्प फिल्टर चाहिए होता है। तो अब हमें ये बहुत बड़ा इशू आ रहा था। फिर देन ऐसे ही बैठे बैठे मेरी सर शोएब के साथ डिस्कशन हुई एंड ही सजेस्टेड यार डीएसपी के कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं यूज करते, जस्ट डाउन सैम्पल द सिग्नल। आपका सिग्नल अगर हाई फ्रिक्वेंसीज पे ज़्यादा सैम्पल्स हैं उसको डाउन सैम्पल करो, स्पेक्ट्रम स्प्रेड हो जाएगा। जैसे स्प्रेड होगा तो अब आप एक आराम से लो कट ऑफ का फिल्टर आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत आपको इतनी शार्प कट ऑफ नहीं चाहिए, इतनी शार्प कटा नहीं चाहिए, बेसिकली आप किसी एक ब्लंट से कटर से भी उसको काट सकते हैं। एंड दैट गॉट वेरी वेरी मच अप्रिशिएटेड। इसके हमारा एक जर्नल भी हो गया, अभी हम एक और जर्नल उस पर लिख रहे हैं और उसकी पीएचडी का काम भी हो गया। सो दीज आर दी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आप बहुत हाई लेवल पे भी जाके आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये वाले कॉन्सेप्ट जो हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, इनको आप बड़ी डिफरेंट जगहों पे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जस्ट इमेजिन कि डीएसपी का डायरेक्टली